क्या फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? कैसे शुरुआत करें? पक्के इरादे के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं www.consultantprithviraj.com। दोस्तों नमस्कार, आज का ये वीडियो है स्क्रीन प्ले विजुअलाइजेशन के ऊपर। आप सभी लोग स्क्रीन प्ले के जो भी वीडियोस हैं बहुत शौक से देखते हो और बहुत कोशिश करते हो कि स्क्रीन प्ले लिखने के लिए किस तरह से आप बेस्ट स्क्रीन प्ले लिख पाओ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताना चाहता हूँ जिसके बिना आप कभी भी स्क्रीन प्ले नहीं लिख पाएंगे। आप स्क्रीन प्ले के एलिमेंट्स को जान सकते हैं, स्क्रीन प्ले के फॉर्मेट को समझ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले की विजुअलाइजेशन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप स्क्रीन प्ले कभी नहीं लिख पाएंगे। और आप अगर लिखा भी तो आपको लगेगा कि जो मैं चाहता था वो मैं नहीं लिख पाया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप स्क्रीन प्ले शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, उसका मतलब है कि जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो पर्दे पे दिखाया जा रहा है वो आप कागज़ पे लिखते हैं और स्क्रीन प्ले को आपकी फिल्म का जो कागज़ पे लिखी फिल्म, मतलब एक तरीके का पेपर फॉर्मेट होता है जो कि फिल्म का पेपर फॉर्मेट कहलाता है। इसी वजह से स्क्रीन प्ले लिखना उन लोगों के लिए ही पॉसिबल होता है जो विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन करके जो टेक्निकल एलिमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करके उसको वैसा रूप दे सकते हैं जैसा फिल्म के ऊपर बनेगा। तो स्क्रीन प्ले को लिखने के लिए आपने एलिमेंट सीखे जो 5 या 6 एलिमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक्शन आता है, उसके बाद में आपका कैरेक्टर आता है, फिर आपका डायलॉग आता है, पैरेंथेटिकल आता है, ट्रांजिशन आता है। ये जो एलिमेंट हैं ये सभी आप लोगों को समझ आ गए होंगे और उसकी फॉर्मेटिंग भी करना आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन फिर भी स्क्रीन प्ले आप लिखने में कॉन्फिडेंट नहीं होते, आपको पता नहीं होता, आप लिख रहे होते हैं लेकिन आपको लगता रहेगा कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं लिख पा रहा हूँ। तो उसी के लिए आज मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है ताकि हम डिस्कस कर सकें एक्चुअल में स्क्रीन प्ले होता क्या है, उसको विजुलाइज करा कैसे जाता है। अगर आपको ये कहा जाए कोई एक ऐसी चीज़ कि इस वक्त चीन में क्या हो रहा है, चीन के एक स्पेसिफिक जगह पे एक शहर में क्या हो रहा है, आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं उसको? नहीं लिख सकते। जो चीज़ आपके सामने ही नहीं है वो आप नहीं लिख पाएंगे, जबकि स्क्रीन प्ले में आपने वो लिखना है जो आप दिखाना चाहते हैं, यानी कि आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो आप पहले देखेंगे तभी लिखेंगे। स्क्रीन प्ले को पहले विजुलाइज करेंगे आप कि क्या चीज़ पर्दे पर आएगी, उसके बाद क्या आएगा, उस शॉट के बाद क्या आएगा, उस शॉट में क्या होगा, क्या मूवमेंट होंगी, क्या एक्सप्रेशंस होंगे, यही सब चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसको विजुलाइज करना पड़ेगा। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी फिल्म के लिए स्क्रीन प्ले लिखने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आप एक सीन बनाएं, एक सीन लिखें। सबसे पहले आप एक सीन लिखें और उस एक सीन के कुछ शॉट्स बनाएं, जो शॉट आपको लगता है कि कितने शॉट बन सकते हैं, कितने शॉट में इस सीन को बनाया जा सकता है। उसके बाद में आप उन शॉट्स का स्क्रीन प्ले लिखें, एक सीन का, उसको जितने भी शॉट्स में आप दिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इसको लिखने के लिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा और विजुलाइज करने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और इन दो चीज़ों में सबसे पहले आता है कि शॉट जो आप दिखाना चाहते हैं, जो पर्दे पे दिखेगा, उसका साइज़ क्या होगा। और दूसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि उसमें टाइप ऑफ शॉट क्या होगा, यानी दो चीज़ें, साइज़ ऑफ शॉट और टाइप ऑफ शॉट। उसके बाद आप इसके अंदर अपना जो स्क्रीन प्ले है उसको विजुलाइज कर पाएंगे। तो टाइप ऑफ शॉट के बारे में डिस्कस करने से पहले साइज़ ऑफ शॉट को समझ लेते हैं। ये साइज ऑफ शॉट इस तरह से होते हैं। इसमें आप एक सीक्वेंस मान के चलिए, जब भी हम फिल्म देखते हैं तो मोस्टली सबसे पहले लॉन्ग शॉट, फिर मिड शॉट, फिर क्लोज शॉट। अब इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा वेरी कर देते हैं, तो मिड क्लोज हो गया, एक्सट्रीम क्लोज हो गया, या मिड शॉट हो गया, लॉन्ग शॉट हो गया, मिड लॉन्ग शॉट हो गया, उनको आप छोड़ दें। आप तीन चीज़ों पे ध्यान दें,
तीन साइज पे ध्यान दें। पहला है लॉन्ग शॉट, फिर है मीडियम शॉट और फिर है क्लोज शॉट। इन तीन शॉट्स को, इन तीन शॉट साइज को समझें। उसके बाद में आपको टाइप ऑफ शॉट समझना है। टाइप ऑफ शॉट में क्या है कि वो किस तरह का शॉट है। सपोज एक क्लोज शॉट आपने लेना है, आपने दिखाना है कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक सिचुएशन में है जिसमें कि आप पहले उसमें, जिसमें आप उसको क्लोज शॉट में भी दिखाना चाहते हैं, मिड शॉट में भी दिखाना चाहते हैं, लॉन्ग शॉट में भी दिखाना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि वो लॉन्ग शॉट में कमरे में खड़ा है, वो आगे बढ़ता है, तुरंत मिड शॉट आ जाता है, दो सेकेंड आप दिखाते हैं लॉन्ग शॉट, फिर दो तीन सेकेंड के बाद आप मिड शॉट लगा देते हैं, फिर उसका क्लोज शॉट लगा देते हैं। तो वो अपने आप एक सीक्वेंस बन जाता है, वो अपने आप एक रिदम बन जाता है। तो आपको जब अपना सीन लिखना है, शॉट लिखना है, तो आपको उस तरीके से विजुलाइज करना है और विजुलाइज करके उसको लिख देना है। तो अगर आपको कभी भी शॉट लिखना है तो सबसे पहले आप उसको विजुलाइज करें कि पर्दे पे आप क्या दिखा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले साइज का अपना चूज किया कि कौन से साइज में दिखाना है, लॉन्ग शॉट, मिड शॉट या क्लोज शॉट। उसके बाद में उसके अंदर टाइप ऑफ शॉट, टाइप ऑफ शॉट में ऐसा हो सकता है कि वो सिंगल कैरेक्टर हो, एक अकेला कैरेक्टर हो सोलो, या हो सकता है दो लोग हों तो उसको टू शॉट बोलते हैं, तीन लोग हैं तो थ्री शॉट बोलते हैं, और या फिर पॉइंट ऑफ व्यू शॉट हो सकता है कि उसने किसको देख के बोला। जो कॉमन शॉट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप स्टार्टिंग करें बेसिक से, विजुलाइज करना सीखें, विजुलाइज करके आप लिख पाएंगे, विजुलाइज किए बिना आप नहीं लिख पाएंगे। तो आपने जो मेन शॉट्स हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है, ओवर द शोल्डर शॉट है, या टॉप एंगल शॉट है, कैसे दिखाना चाहते हैं आप, टाइप ऑफ शॉट, टाइप ऑफ शॉट चूज करें, साइज ऑफ शॉट चूज करें, और उसके अंदर जो एक्शन हो रहे हैं उनको एक्शन लाइन में लिखें। एक्शन लाइन में लिखने के लिए आपको एक लाइन एक्शन की, और उसके बाद में तुरंत आपको, जैसे सपोज अगर आपने दिखाना है कि एक कैरेक्टर है जो अपनी माँ, एक शॉट हम लेते हैं, एक सीन लेते हैं हम लोग, कि एक कैरेक्टर है जो अपनी माँ को हॉस्पिटल में मिलने जाता है, और वो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आपकी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आपने इसको दो शॉट में, तीन शॉट में बनाना है, जैसे कि आप उसको दिखाना चाहते हैं कि वो आया हॉस्पिटल में, कार से आया या कैसे आया। फिर लॉन्ग शॉट में दिखाएंगे आप ये, ताकि हॉस्पिटल दिखे। कट किया, आपने दिखाया मीडियम शॉट में वो चलता हुआ जा रहा है अंदर, उसके बाद में फिर आपने मीडियम शॉट में उसको एंटर करा दिया, मीडियम शॉट में वो अपने जो माँ का कमरा है उसमें एंटर हुआ, और फिर उसके बाद में आप एक बारी कमरे के अंदर जब जला गया वो, तो आप उसको मीडियम क्लोज, क्लोज के अंदर लगा सकते हैं। तो आपने इस तरीके से ये शॉट डिवाइड कर दिए कि किस तरीके से आपने इसको दिखाया, पर उसके अंदर कुछ खास है, जैसे वो फूल लेके गया है तो उसने फूल दिए माँ को, या उसने कोई दवाई उठा करके माँ को दवाई पिलाई, या कोई फ्रूट खिलाया। तो इस तरीके के एक्शन में आपको, इस तरीके की चीज़ को आपको एक्शन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायलॉग तो आपने लिखना है, डायलॉग के बाद अगर उसने फूल उसको दिए तो आपको एक्शन में लिखना पड़ेगा वो फूल, एक्शन लाइन बना के, जैसे कल हमने अपने वीडियो में बताया था, एक्शन लाइन बनाई आपने और उसके बाद में तुरंत उसको विजुलाइज किया और लिख दिया। तो जब विजुलाइज करने लगेंगे आप तो आपको बहुत आसानी होगी कि आप अपने स्क्रीन प्ले को कैसे लिखें। और एक एक शॉट या एक एक सीन से शुरुआत करें। तो इसमें जो टाइप ऑफ शॉट है और जो साइज ऑफ शॉट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट के अंदर, आप उससे और ज़्यादा अच्छी तरीके से मेमोराइज कर पाएंगे। उम्मीद है आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी, और अगर आप अपना कोई स्क्रीन प्ले, एक सीन या दो सीन लिखना चाहें और मेरे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें, मैं उसको अपने ट्यूटोरियल में यूज़ करूँगा, और फिर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे कि उसमें क्या गलती हुई और क्या उसमें अच्छाई हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। क्या फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं? कैसे शुरुआत करें? पक्के इरादे के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। www.consultantprithviraj.com